जब बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो मैंने देखा एनबीसीसी, आरईसी, पीएफसी, बीएल, ये वो स्टॉक है जो बढ़ रहे हैं। ये भसीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसका असर है क्या? भसीन साहब क्या कहते हैं आप, क्या ये स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं? आज आपके लिस्ट में क्या है टॉप पे? प्रदीप, तो हमने तो आपको दावे से कहा था कि पीएसयू स्टॉक्स में इतनी डिस्पोंडेंसी मैंने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखी। मैं 2008 की बात कर रहा हूं, और इतने अट्रैक्टिव लेवल डिविडेंड यील्ड्स पे पीएसयू स्टॉक्स मिल रहे थे कि उनकी वैल्यूएशन को आपने कूड़ा जैसा बना रखा था। और मैं दावे से कहता हूं, जैसे ही नई सरकार आएगी, पीएसयू स्टॉक्स एट द एंड ऑफ द ईयर मे बी अप 50%, और वो लार्ज कैप्स होंगे। ओएनजीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, आपने नाम लिया, बीएल, एनबीसीसी। एनबीसीसी एज अ डिस्क्लोजर हमारा टॉप पिक है, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, इंजीनियर्स इंडिया, गेल, एमजीएल, पेट्रोनेट, आई कैन गो ऑन। तो अगर आप एक सीपीएससी की बास्केट में इन्वेस्ट करें, यू विल मेक अमटीन अमाउंट ऑफ मनी। और पीएसयूज में इतनी डिस्पोंडेंसी मैंने कभी नहीं देखी। मैं अभी भी कहता हूं, इवन आफ्टर रन ऑफ 20%, कि अगर आप सिप कीजिए या सीपीएससी का ईटीएफ लेंगे, आप बहुत पैसा कमाएंगे। इट इंक्लूड सम ऑफ दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि आपने उनको ऐसे पिटाया था कि कोई चाहे तेल ऊपर जाए या नीचे। सेकेंडली, आई एम एक्सट्रीमली बेरिश ऑन ऑयल। आई थिंक 70 इज अ नियर टर्म टॉप। आई डोंट रूल आउट ऑयल हिटिंग $60 इन द नेक्स्ट 2 months। ओके, इनमें से जो स्टॉक काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, आरईसी और पीएफसी, खुलने के बाद अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, अब दिन के हाईस पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। चंदन, यहाँ पे